हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उन समस्याओं का जो समाधान पेंशन सचिवालय है वो समाधान नहीं निकल रहा है। इसी चीज को लेकर हम लोग बात करेंगे कि आज 27/12/2023 है, यानी कि 27 दिसंबर है, और आज के दिन कमांडर अशोक रावत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। निधि निकट आपके में उन्होंने एक माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से एक पत्र को रखा है, भेजा है। उस पत्र के माध्यम से क्या संदेश कमांडर अशोक राव जी देना चाहते हैं, इस सारी चीजों को देखने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे कुछ मैं बातें करना चाहता हूँ आपके साथ में। जैसे कि कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक आंदोलन किए, इसके बाद में धरने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। तकरीबन आज से पिछले 6-7 सालों से अगर देखा जाए तो कई बार, यानी कि 200 बार हो चुके हैं जब माननीय श्रम मंत्रालय में बात की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-2 बार मुलाकात, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से मुलाकात, और भी बड़े बड़े जो मंत्री मनिष्ठ लोग हैं, नेतागण हैं, सब उनके साथ है मुलाकात। इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये स्थिति है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि नहीं मिल पाई है, जितने भी ईपीएफओ। अब देखिए, मुख्य रूप से कमांडर अशोक रावत जी ने एक चीज रखी है, द्विपक्षीय वार्ता करने की बात कर रहे हैं। अब उनसे बात करना चाहते हैं, एक तरफ वो होंगे, एक तरफ ये होंगे, अपने अपने पॉइंट्स को रखेंगे कि पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है। क्योंकि एक द्विपक्षीय जो वार्ता हुआ है, इस वार्ता से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कोई लाभ होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल भी द्विपक्षीय वार्ता ईपीएफओ के साथ में दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कमांडर अशोक रावत जी है उनके साथ में हुई थी, और उस जब द्विपक्षीय वार्ता हुई थी उस वार्ता में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बात रखी गई थी। जैसे कि माननीय श्रीमती नीला स्वामी जी थी और आपके कविश डागे जी थे जो एडवोकेट हैं आपके, तो जब बातें होने लगी थी तो जैसे कि कविश डागे जी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया था, जैसे कि फार्मूला बनाया था और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से पेंशन की राशि मुहैया करा सकते हैं, उसका एक सही तरीके से उसका विवरण था जो कि माननीय नीलम साहबी जी को दिया गया, उनसे बात की गई, तो फिर वहाँ पे यह डिसीजन निकल के आया कि नहीं, यह परफेक्ट आइडिया है और अगर इसके माध्यम से चला जाता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है उस पर वृद्धि की जा सकती है। 7,500 रुपये प्लस साथ साथ में डीए दिया जा सकता है और जो तो अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा ईपीएफओ के ऊपर, ईपीएफओ उतने में ही काम किया जाएगा। तो जब ये निष्कर्ष वहां पे निकल गया था, सामने आ गया था, इसके बाद से आज तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि नहीं मिल सकी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं हो सका। अगर बात करें सांसदों के भी माध्यम से पूर्ण रूप से कई बार समर्थन मिला और सांसदों के भी माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके, कम पेंशन को लेके आवाज भी सदन में उठाई गई, इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ठोस जो तो रिजल्ट नहीं निकल के सामने आए। इन्हीं रिजल्टों को ताक में रखते हुए कमांडर अशोक रावत जी ने एक फाइनल फैसला डिसीजन लिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सभी जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं आप सबके लिए, कि आने वाले समय में जो तो जल्द से जल्द, अगर मान लीजिए कि डेट और तारीख सुनिश्चित करने की बात उस पत्र में कही जा रही है, तो अगर डेट और तारीख सुनिश्चित होती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि के लिए ईपीएफओ के साथ में, ईपीएफओ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ में फेस टू फेस बात होगी, जहां पे ईपीएफओ को क्या समस्याएं आ रही हैं वो, और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या समस्याएं आ रही हैं वो। जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मूलभूत समस्याएं हो तो ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों को मालूम ही है, लेकिन पेंशन कब तक मिलने लगेगी, पेंशन की डेट क्या होगी, पेंशन के जो नए गाइडलाइंस बन रहे हैं उसके अनुसार पेंशनर्स को कब तक लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ों पे खुल के रिपोर्ट सामने आ जाएगी बहुत ही जल्द। देखना ये है कि वो द्विपक्षीय जो मीटिंग होने वाली है वो कब तक होगी। तो ये पहल जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा उठाया जा रहा है, ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये कदम वाकई काबिल तारीफ है और बहुत बड़ा ये कदम है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जिस प्रकार से आपने हमारे पिछले वीडियो में जो तो मुझे पसंद किया है, अपना आशीर्वाद दिया है, ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो में भी अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।